आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं जो डिफरेंट डाउट्स हमारे पास में कमेंट सेक्शन में आते हैं जो कि स्टूडेंट से पूछे जा रहे हैं उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये जो हमारा डाउट क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन हमारा प्रोबेबिलिटी के टॉपिक से पूछा गया है। गेट 2015 का हमारा ये क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर ब्रांच का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये डाउट आई थिंक स्मृति के थ्रू पूछा गया था, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में कुछ ऐसा था, अ कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स, ठीक है। हमारे पास में क्या गिवन है कि एक हमारे पास में कॉइन गिवन है और उस कॉइन को हम क्या कर रहे हैं, बार बार टॉस कर रहे हैं। कितनी बार टॉस कर रहे हैं, 10 टाइम्स टॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा गया था द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 हेड्स एंड 5 टेल्स इज वॉट, ठीक है। तो जब भी हमारे पास में कोई भी एक इवेंट बार बार रिपीटेडली रिपीट होता है तो हम क्या करते हैं उसको, वहाँ उस जगह पे हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं, कि मैंने अपनी लेक्चर्स में काफ़ी बार डिस्कस किया हुआ इस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, कॉइन है जो कि 10 टाइम्स टॉस किया जा रहा है और हमारे पास में बोला जा रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उस 10 बार टॉस करने का जो रिजल्ट आएगा वो 5 बार हेड आ जाए एंड 5 बार टेल आ जाए, ये हमसे पूछा गया। तो हम क्या करेंगे, 10C5 10 बार में से 5 बार हमने क्या कर दिया, हेड को सिलेक्ट कर लिया। तो अगर 10 में से 5 बार हेड आ रहा है तो बाकी के 5 बार क्या आ रहा होगा, टेल आ रहा होगा। इसलिए हमने क्या लिखा, 1/2 to the power 5 and 1/2 to the power 5। जो हमने पहला वाला 1/2 to the power 5 लिखा वो हमने सपोज कर लिया हेड के लिए लिखा है, और जो हमने सेकेंड वाला 1/2 to the power 5 लिखा है वो हमने टेल्स के लिए लिखा है, 5 बार हेड आने के लिए एंड 5 बार टेल्स आने के लिए। सो विच इज़ इक्वल्स टू 0.24। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, जो सिंपल हमारे पास में 10C5 वगैरह का फॉर्मूला है उसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास में 0.24 आंसर आएगा, ठीक है। सपोज करिए यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि 2 से मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं किया गया है। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास सपोज़ करिए अगर लिखा हुआ रहता, जहाँ पर हमारे पास में लिखा हुआ है द प्रायोरिटी ऑफ गेटिंग 5 हेड एंड 5 टेल्स, उस जगह पर अगर लिखा हुआ रहता हमारे पास में व्हाट इज़ द प्रायोरिटी ऑफ 5 हेड्स आउट ऑफ 10 टॉसेस, तो भी हमारे पास में आंसर सेम आता, दैट इज़ 0.24। क्यों आता सेम, क्योंकि अगर हम बोल रहे हैं कि व्हाट इज़ द प्रायोरिटी ऑफ गेटिंग 5 हेड्स आउट ऑफ 10 टॉसेस, इसका मतलब क्या है कि 10 बार में से 5 बार हेड आने की प्रायोरिटी क्या है, वो भी सेम आएगा। क्यों सेम आएगा, क्योंकि 10 में से अगर हम 5 बार हेड आने की प्रायोरिटी पूछ रहे हैं, इसका मतलब है कि बाकी के 5 बार क्या आया होगा, टेल्स आया होगा, ठीक है। तो 10 में से 5 बार क्या आया, हेड, 5 बार टेल्स आने की प्रायोरिटी सेम होगी, दैट इज 0.24। अगर हम आइदर वे में बात करें, दैट मीन्स प्रायोरिटी ऑफ 5 टेल्स आउट ऑफ 10 टॉसेस, वो भी क्या आएगा, 0.24 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि अगर 10 में से 5 बार टेल्स आया है तो इसका मतलब बाकी के 5 बार क्या आएगा, हेड्स आएगा हमारे पास में। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास में, या तो अगर हमारे से पूछा जाए 10 में से 10 टॉसेस में से अगर 5 बार हेड आने की प्रायोरिटी क्या है, वो भी सेम होगी। 10 टॉस में से 5 बार टेल आने की प्रायोरिटी क्या होगी, वो भी सेम होगी। और अगर हमारे पास में पूछा जाए कि 10 बार में से 5 बार हेड आने की एंड 5 बार टेल आने की प्रायोरिटी सेम होगी, वो भी क्यों सेम होगी, क्योंकि हमारे पास में तीनों जो स्टेटमेंट हमने बोला, तीनों स्टेटमेंट सेम ही है, बस हम क्या कर रहे हैं उस स्टेटमेंट को थोड़ा सा घुमा कर बोल रहे हैं, ठीक है। तो तीनों केस में हमारे समय प्रायोरिटी सेम होगी, ठीक है। आई थिंक आपका जो डाउट था हमारे पास में वो क्लियर हो चुका होगा इन 3 स्टेटमेंट्स के थ्रू, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग योर डाउट्स, ठीक है। अगर आपको फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसे सॉल्व करने की। अगर आपका कोई भी टॉपिक वाइज डाउट है तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे अगर आपका डाउट है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू, ठीक है। और प्लीज़ अगर आप शेयर कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को तो शेयर करिए प्लीज़। थैंक यू सो मच, थैंक यू।